सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नक्शे मोहब्बत के बारे में बताने वाला हूँ। यह ऐसा नक्शे मोहब्बत है कि किसी को भी आप इस नक्शे मोहब्बत के ज़रिए से अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी को भी आप अपनी मोहब्बत में दीवाना और बेकरार बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं सीधे इस नक्श की तरफ कि किस तरीके से इस नक्श को बनाना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं इस तावीज़ की तरफ। दोस्तों, आपने काली पेन से सफ़ेद कागज़ के ऊपर पहले इस तरीके से चौकोन आपने यह खाना बना लेना है, ठीक है। और आपने फिर उसके बाद यहाँ सबसे पहले इसके खाने के अंदर आपने यहाँ लिखना है हो, ठीक। आपने यहाँ हो लिखना है, ठीक है। अब फिर आपने आ जाना है इस साइड, ऐसे तावीज़ को कर देना है, ठीक। फिर आपने यहाँ लिखना है हो, ठीक। अब फिर ये उल्टी कर देना इस तरीके से, ठीक। बहुत मुजर्रब तावीज़ ये आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ, बहुत ही मुजर्रब है, बारह की आजमाई हुई है। यहाँ आपने हुक लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ इस तरफ आ जाए, यहाँ ये आपने लिख दिया, चारों तरफ इस तरीके से आपने हुक लिख दिया, ठीक है। अब इसके नीचे भी आपने यहाँ सिर्फ लिखना है ऐसे, ठीक। और दोस्तों, शर्त है कि आपने इसको पाक और पाकीज़ा होकर के ही बनाना है, निजासत की हालत में बिल्कुल भी नहीं बनाना है, और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही इस तावीज़ का इस्तेमाल करना। नाजायज़ मकसद के लिए अगर आप इस्तेमाल भी करेंगे तो हो सकता है कि इसके ज़रिए से आपको नुकसान पहुँचे, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दोस्तों, इस तरीके से आपने यहाँ हुक लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ के ऊपर आप आ जाएँ, यहाँ वाव दाल काफ, ठीक। ये नुक्ता है, ठीक है, देख लें ये क्या लिखा है, जीम नून ते और ये हे है, ठीक है, साफ नजर आ रहा है आपको। वाव दाल ये काफ वदीक जीम नून ते और ये हे, इस तरीके से ये लिख लेना है, ठीक है। अब उसके नीचे यहाँ आ जाए, फला बिन फला, ठीक। ये फला बिन फला, ये जो फला बिन फला लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ आपने अपने महबूब का नाम लिखना है, ठीक है। अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए बना रहा हो तो यहाँ लड़के का कि लड़की का नाम बिन की जगह बिनते होगा, फिर उसकी माँ का नाम होगा, ठीक। अगर कोई लड़की किसी लड़के के लिए बना रही हो तो यहाँ लड़के का नाम होगा बिन, फिर उसके वालिद का नाम, उसके फादर का नाम होगा, ठीक है। अब जा कर के ये तावीज़ जो है वो बन कर के तैयार हो गई है। अब आप गौर से सुने कि किस तरीके से आपने इस तावीज़ का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपने करना क्या है कि थोड़ी सी आपने लोबान लेनी है, ठीक है। आपको मार्केट में आसानी के साथ लोबान मिल जाएगी, लोबान आप ले लें और उसके ज़रिए से आपने जो है इसको खुशबू देना है, ठीक है। थोड़ा सा जला करके आपने लोबान इसके ज़रिए से इस तावीज़ को खुशबू देना है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई हरा भरा दरख्त हो, सब्ज़ो शादाब हो, हरा भरा दरख्त हो, सूखा दरख्त ना हो, आपने उसकी उस दरख्त की जो सबसे ऊंची शाख होगी, जो सबसे ऊंची डाली होगी उस दरख्त की,
उसके ऊपर ले जा कर के आपने जो है इसको लटका देना है, इस ताबीज़ को, ठीक है। जहाँ तेज़ हवा चल रही हो, जाहिर सी बात है कि आप जब उस दरख्त की सबसे ऊंची डाली के ऊपर इस तावीज़ को लटकाएंगे तो हवा के ज़रिए से ये बहुत ज़्यादा तावीज़ जो है वो हिलेगी। दोस्तों जितनी ज़्यादा ये तावीज़ हवा के ज़रिए से हिलेगी, उतना ही ज़्यादा आपका महबूब का दिल जो है आपकी मोहब्बत में मचलेगा, यानी आपकी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार होगा। तो दोस्तों आज की ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। लेकिन दोस्तों याद रहे कि जब आपका काम हो जाए, ठीक है, ये हमेशा का इसका असर बाकी रहता है, जब आपका काम हो जाए तो आपने थोड़ी सी मिठाई ले लेनी है, यानी तो कुछ भी मीठी चीज़ ले लेनी है और उस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र दिला करके आपने लोगों में तकसीम कर देना है, ठीक है। इंशाअल्लाह आपका काम बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो भी परेशानियां थी आपके मोहब्बत की, वो इस तावीज़ के ज़रिए से दूर हो जाएगी और जिसे चाहते थे आप कि आपके मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए, इंशाअल्लाह इस तावीज़ के ज़रिए से वो आपके मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएगा या हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।